आज है किचन में शेफ रजत। वाह 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 वाह, क्या बात है रजत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। और सुबह सुबह रजत लगा है ब्रेकफास्ट बनाने। मुझे इतनी जोरों की भूख लगी थी क्योंकि आज मेरी नींद ना बहुत जल्दी उठ गई थी और मैं मतलब जाग आ गई थी मुझे बहुत जल्दी। तो फिर मुझे ये था कि मैंने अपनी शादी की हमारी शादी की फोटो सिलेक्ट नहीं की थी। तो मुझे ये था कि ये तो आज में हो ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उठ के वही काम किया। मैंने सोचा नींद जल्दी खुल गई, इस चीज़ का फायदा तो उठाना चाहिए। और फिर जब मैं एक बार ही लग गई ना, तो मुझे ये था कि मेरा मोशन ना टूटे, इसलिए मैंने रजत को कहा कि प्लीज़ तुम भी कुछ खाने के लिए बना दो। और मुझे तो इतनी जोरों की भूख लगी ना इस टाइम पे कि क्या बताऊँ मैं आपको। यार मैंने अभी सुबह सुबह क्या देखा कि मेरे नाम का पार्सल आया है, बट मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था। और रजत को पहले लगा कि मैंने ऑर्डर किया इसलिए आया होगा, पर किसी ने भेज दिया। क्या भेजा है, बुक जैसी लग रही है मुझे इसके अंदर। तो चलो खोल के देखते क्या है। द परफेक्ट डे प्लानर। वाओ कितना अच्छा है यार ये, मच नीडेड थिंग। बट ये आई कहाँ से, किसने भेजी, मुझे कुछ नहीं पता है। सो मैं बढ़िया नहाकर फ्रेश हो चुकी हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आई थी कि बाल बना लेती हूँ, क्रीम लगा लेती हूँ अपने रूम पे ना। बट यार यहाँ मेरे रूम में तो खास तौर से इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है ना आज कि पसीने छूटे जा रहे हैं बार बार। तो अभी मैं नीचे जाती हूँ क्योंकि सब मेरा लंच के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है अभी तक। एक्चुअली आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, मैंने आपको बताया ही था। और सुबह सुबह मैंने वो फोटोज़ वाला जो काम निपटाया है ना, शादी की फोटोज़ सोचो अभी तक नहीं कर पाए थे हम, तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिल रही कि चलो वो काम भी हो गया है। और बहुत जल्द मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी शेयर करूँगी जो हमको देंगे हमारे कैमरामैन लोग। सो यस, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। चलो एनिवर्सरी पे ही सही पर अच्छी सी वीडियो आ जाए। और फिलहाल के लिए मैं नीचे जाती हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी और सब मेरा वेट कर रहे होंगे। तो नीचे जाती हूँ कुछ खा लेती हूँ। यहाँ पे बना था सूप जो रोहिंदी पी चुकी है, और हमारे लिए बनी थी सब्जी जो कि बाकी सब लोग खा चुके हैं और मुझे खानी है। और ये सब मुझे देखे जा रहे हैं कि इतना टाइम क्यों लगा दिया नहाने में, ऐसा भी क्या कर रही थी। वही पे है, मुझे रजत मुझे कह रहा था ना प्लेट है, तो ये वाली साफ प्लेट थी है। मैं मजाक कर रहा था बाय द वे, क्योंकि मैं इतनी साफ कर देता हूँ खाने के बाद ना प्लेट की, लगता है कि साफ ही साफ ही है। और इतनी साफ प्लेट में नहीं खानी मुझे, तेल लगा है ऐसा कुछ नहीं है, साफ लगा है जी, नहीं साफ है। और ये ना, ये जो तुमको प्लानर आया है ना, ये भेजा है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम सेल्वा। हाय ज्योति का रजत, आई एम अ सब्सक्राइबर हु लव्स द ब्लॉग। I am the author of this manifestation planner. I know you both are looking to plan a routine to your days here in Canada. Hope this helps. Oh my god, ruk ja, फिर तो मैं अच्छे से दिखाती हूँ एक बारी planner. ये पकड़ेगा कोई मेरी प्लेट? देखो जी बहुत ही अच्छा planner है. If you guys are also planning for a planner, तो ये बहुत अच्छा है. देखो मैं अंदर से भी दिखाती हूँ आपको. ये देखो इतने अच्छे और इसके बहुत अच्छी क्वालिटी के पेजेस है. यहाँ पे ऐसे गोल्स लिख सकते हो आप, बाय सेल्वा एंड स्टीव वाइटिंग. यस यस आइए, तुम्हारे प्लानर में लंच भी होगा ना, वो कर लो अभी। ये पता सुबह सुबह घर के बाहर पड़ा हुआ था और पता मुझे इतनी खुशी हुई ना जब भी मैंने प्लानर देखा, बिकॉज यू गाइस वोंट बिलीव, मेरी अपनी डायरी खत्म हो गई थी। तो मैं सोच ही रही थी मुझे चाहिए। यार आज ना बहुत अच्छी धूप आई थी, तो रोहिंदी कहते कि बेबी को थोड़ी धूप लगानी है, तुम्हारे रूम पे अच्छी धूप आ रही है, तुम पकड़ लो इसे थोड़ी देर। तो बेबी को धूप लगाने के चक्कर में मेरे पसीने छूट गए यार, दिख रहा है इतनी गर्मी लग रही है। मैं बेबी के भी सारे लेयर्स खोल के रखे कि इसे अच्छे से धूप लगे, पर मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। बट बेबी एंजॉय कर रहा है, मजे से सो रहा है, कभी उठ रहा है, कभी देख रहा है, स्माइल भी कर रहा है। काफी लोग ऐसी धूप में कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अगर आप ये सोच के धूप ले रहे हो कि हमको विटामिन डी अच्छे से मिल जाएगी बॉडी के लिए, वो बिल्कुल सही नहीं है। आपकी स्किन पे डायरेक्टली सनरेज पड़नी चाहिए, तभी फायदा है। तेल मालिश करेंगे, जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे। यस 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 बाबा यस। किसका बेटा है ये, किसका बेटा है प्यारा प्यारा? मासी का। मासी का सिखा के जाऊंगी इसे, समझी तू? नहीं नहीं, चाहती पहला शब्द भी मासी बोले बस। चाहती हूँ मैं, चाहती हूँ यही। यस बेटा बहुत मजा आया, धूप तो बहुत लगा दी है, बहुत नींद आई है। इसकी जिंदगी की पहली धूप है ये। हमने सूर्य देवता को नमस्कार, फर्स्ट सन ऑफ हर लाइफ जी हमने किया। मेरे बेटू की पहली धूप है, सूर्य भगवान से इसके लिए आशीर्वाद भी लिया, भगवान जी को थैंक यू बोला कि आपने दर्शन दिए, गंगा जल बनाए नहाए करेंगे। और ये फर्स्ट बाथ ऑफ आवर लाइफ, ऐसे तो बात नहीं है ये, फर्स्ट तो हो गया था इसका पैदा होने के। हाँ मतलब फर्स्ट जकूजी ऑफ आवर लाइफ, क्लीनिंग ही हो रही है ऐसे तो हमारे तसले में। इसको बुरा लग गया, नहीं तसले जकूजी जकूजी बनेंगे।
A few moments later. दोनों के पसीने छूट गए. बहुत ज्यादा रो रही थी और अब देखो कितने अच्छे बच्चे की तरह बैठ गई है. बिल्कुल शांत, एकदम रिलैक्स हो गई है. अभी इसे पानी पसंद नहीं है, हाइड्रोफोबिक है. हाइड्रोफोबिक ने अपनी मम्मी की तरह शायद नहाना पसंद नहीं है. मौसी की तरह है, दो दो तीन तीन दिन का परहेज है इसको. ऐसा कुछ नहीं है. चलो 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 जल्दी चलो, पसीना पसीना हो गया आज तो. गर्मी से बुरे हाल हो गए. सही है, चलो इंदिगो बाय. कहाँ जा रही है? हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने, वॉक करेंगे और थोड़ा बहुत सामान लाना है वो भी लेके आएंगे. चल ठीक है रोहिंदी, बाय. आज 7 बजे अभी घर पे है तो हमको अच्छा मौका मिला है कि बाहर घूमते हैं थोड़ा बहुत. और धूप इतनी सही से सेख लिया ना हमने तो हमको लग रहा है जैसे हम पिछली बार गए थे ना घूमने तो बहुत ही मजा आया था. अदरवाइज पूरा दिन हम घर पे ही रहते हैं घर पे, और आप समझ लो घर पे जब पूरा दिन हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो खाना भी कैसे पचेगा. तो हमने सोचा थोड़ा बाहर वॉक करते हैं और इस बहाने खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा और मजा भी आएगा. सॉक्स ले लेते हैं. इस लड़की की ना अंगूठी है, जब बच्ची को नहला रही थी तब इसने खोली थी. अब मैं इसके साथ करूंगा प्रैंक. दरवाजा खोल के क्या कर रही है? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे अंदर ही नहीं लग रहा. तुम पूरे घर की हीटिंग खराब कर रही हो. कहां मत तुम. चुप रह. कैसे हॉन्ट कर रही है मुझे. ए डराने को क्यों खड़ी है रे. चल जब तू खुद रेडी हो तो कैमरा लेके. रेडी हूं मैं. रेडी था ठीक है. दरवाजे पे खड़ा रखा उसको, वो कोई बात नहीं है. तू मुझे बदनाम कर. हाँ अभी जैसे मैं शूज में अपने लेसिस बांध रहा था, धूप पड़ रही थी और मेरी अंगूठी ना ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही थी हर तरफ. क्या मजाक नहीं कर रही हो? कहाँ है? नहीं शर्म नहाते हुए रखी मैंने. Are you sure? Yes I am. मैं रोज को बोलती हूँ. पूछ जल्दी. पूछती हूँ. पागल हो गई भाई अंगूठी. कोई पहले वाईफाई देना पड़ेगा रोज. अंगूठी गुम कैसे कर सकता है कोई, याद है तुझे? ऐसा कैसे होगा, तुम्हारी तो कभी नहीं हुआ रहना ऐसा. अरे क्योंकि जब से बेबी हुआ है ना तो मुझे ऐसा लगता है बेबी को नहीं लग जाए तो मैं उतार देती हूँ बेबी को छूने से पहले. तेरे घूंट तो सूख रहे हैं. तो वाईफाई दो ना फिर मैं करती हूँ. इतने खराब हो. कहाँ रखी थी? मुझे लगा थोड़ी देर और मस्ती करूंगा पर तेरे मोटर सूख रहे थे. इतनी सर मेरा कैसा लगा? मैंने बिल्कुल एकदम एप्ट ड्रामा किया और ये एकदम से इसको एकदम से हिट भी आई हुआ कि मेरी अंगूठी कहाँ है. मैं ऐसा ही है करती रहती हूँ क्योंकि मैंने इसको याद दिलाया कि अंगूठी चमकती है धूप में यूजुअली, तो इसको लगा एकदम से कि मेरी अंगूठी कहाँ है. मेरी ज्यादा चमकती है. ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ज्यादा चमकती है. तुम्हारी अंगूठी ज्यादा चमकती है, मैं खुद ज्यादा चमकती हूँ. मैं आप ही बता दो ज्यादा कौन चमक रहा है अभी धूप में, पता लग ही रहा होगा आपको. देख कितना पास है. कितना थोड़ा उछलती तो मैं छू लेती इसको. छू लेती तो पकड़ लटक के निकल जाती आगे कहीं. मैं लटक के थोड़ा हवा भी खा लेती थोड़ी जगह. यार हमें ना बाहर निकलना इतना बढ़िया लगता है और हमें ये रियलाइज हुआ अभी कनाडा के, जब हम कनाडा आए थे ना सब लोगों ने बोला था कि भाई कनाडा आजकल बस अंदर ही अंदर रहना होता है, बाहर तुम ऐसे टाइम पे क्यों आ रहे हो. तो हमको लगता था नहीं यार इतनी बढ़िया सर्दी है, हमको तो आदत है शिमला की सर्दियां देखने का. बेशक हम भी हिमाचल के हैं सर्दी की जगह से शिमला से, लेकिन इनफैक्ट ये तो अपर शिमला से है, लेकिन वहाँ की सर्दी और यहाँ की सर्दी में दिन रात का फर्क है. 100 मीटर भी लोग पैदल नहीं जाते, गाड़ियों से जाते हैं. बट जैसे आज मौसम हुआ ना ऐसे में तो सारे लोग बाहर निकले हैं, थोड़ा वॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ पर ये चीज़ रियलाइज हुई कि हम अंदर बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है, हमें बाहर निकलना अच्छा लगता है. फटाफट से बाहर निकल जाते हैं. यहाँ पे देखो ये अपने छोटे बेबी को लेके आया, हम भी अपने बेबी को ले आ सकते थे. बेबी अभी बहुत छोटा है कि वो इतने ठंड में नहीं आ सकता. ये भी तो लाए. तो ये इतना छोटा नहीं, बड़ा है बेबी है. देखो नहीं ना ना कितना बड़ा है. और क्या. ओके फाइन वी विल वेट फॉर सम मोर डेज और मंथ्स. यार हम यहाँ पार्क तक आए थे, इतना मजा आ रहा था मुझे. और हमको इसके बाद थोड़ा सामान के लिए भी जाना था, और जो मैं ये बॉक्स लेके घूम रही हूँ ये भी हमको वापस करना था. तो जिस कार्ड से लिया था वो वाला कार्ड लाना ज़रूरी था. और मैंने रजत को घर से चलते हुए 2 बार पूछा, रजत कार्ड लिया है? लास्ट टाइम जब हम ग्रोसरी के लिए गए थे ना तो वहाँ यूज़ किया था, और मैंने तुमको बोला था अपने पास रखो, याद करो. तो जब मैं तुमसे पूछ रही थी रजत तुम्हारे पास है ना वॉलेट लिया, मैंने बोला मैंने तो ले लिया. रजत मैंने वॉलेट नहीं बोला, मैंने कार्ड बोला. आई रिमेम्बर इट क्लियरली, बट तुमको मानना ही नहीं है इस बात को.
बस ऐसे ही होते हैं लड़के, मतलब जिस बात पे अड़ गए वो अड़ गए, जो सच है वो मानेंगे नहीं. बिकॉज आई रिमेम्बर वेरी क्लियर, रोहिंदी ने मुझे कहा था जिस कार्ड से लिया है वही कार्ड लेके जाना. और मैंने रजत से पूछा, रजत लिया है कार्ड, लिया है कार्ड, हाँ हाँ लिया है, लिया है, लिया. यहाँ आके रजत ने अपना वॉलेट चेक करा, फिर कहता मेरे पास तो वो कार्ड है ही नहीं, मैंने तो वापस दे दिया. तो तूने कार्ड के बारे में नहीं वॉलेट के बारे में पूछा था. क्या चलो बढ़िया है, तो इसलिए अब हमको वापस घर जाना पड़ेगा. वापस आ गए, ऊपर जाके चेक करते. तुम देख के भी और तुम ही जाओ. नहीं ना, चल ऊपर देखते कि तेरे पास है या मेरे पास है. चले, मेरे पास कार्ड नहीं है, मैं लिख के दे सकती हूँ चीज. चल आ जा ऊपर देखते. यानी ये देखो, ये क्या, हाँ, ये किसने रखा? मैंने तो नहीं रखा, तो मैं क्यों रखूँ? मेरे पास है कार्ड. नहीं ना, ये हम दोनों की गलती है, तुम्हारी गलती है. चलो अकेले से लेनी गलती, ठीक है, तुम्हारी अकेले की, मेरी नहीं है. यहाँ पर खुश हो तुम? अकेली जाएगी अब? मैं नहीं आऊँ, पक्की बात है? चले गई. A few moments later. मैं भी चलता हूँ. वो पहुंच गई आगे, मैंने तो बड़ी आगे पहुंच गई. अब मैं भागता हूँ और उसको पकड़ता हूँ. पीछे मुड़ के देख रही, अभी वो क्रॉस करेगी तब. अभी इसके पीछे छिप गया हूँ ताकि उसको पता न लगे. जैसे वो सिग्नल पे चलने लगेगी फिर से दौड़ूंगा. मुड़ मुड़ के मेरे को देख रही है, अभी उसको लग रहा है मैं आ रहा हूँ. यार ले इसी को, अभी खुलना था. कैसे दौड़ा? देखा, लोगों को लगा कि मैं कहीं इसे मारने नहीं आ रहा हूँ. सब देख रहे थे कि इसके पीछे क्यों भाग रहा है. और मतलब मेरी हंसी नहीं रुक रही थी जब मैंने तुझे इसको दौड़ दिया. तुझे दिख गया था मैं? पता कैसे दौड़ रहा था? अपनी टांगों पे रखा, गिरा और टेम्पर्ड बुरे हाल से टूट गया. दिखाता हूँ फोन. क्या बात कर, स्क्रीन गई देखो, बीच से क्रैक दिख रहा है, देखना अजीब सा होगा अभी. ये देखो, ए भाई, पौने 2 लाख रुपए का नुकसान, पौने 2 लाख रुपए की रन थी इतनी देर. भाई साहब, अब कुछ दिन चल पड़े इंडिया जाने से पहले. शिट, मुझे टेंशन हो रही है. अब देख, और गिरा पता कैसे? मैं ऐसे बैठा था ना, मैं ऐसे बैठा था, मैं लेसी बांधने लगा और ये ऐसे गिरा नीचे धार. इतने छोटे में कैसे, मतलब इतना पता नहीं सकता है. बस साइड में एक बजा ना, वहां से स्क्रीन चले गई, डिस्प्ले उड़ गया है बीच से. ज्यादा दिन अगर ऐसे रहेगा ना तो ये और खराब हो जाएगा. क्या कर सकते, चलो ऐसी शक्ल क्यों बना रही, चलो इंश्योरेंस है इसकी, हो जाएगा. चलो और रिटर्न तो हो गया जो हमको रिटर्न करना था. और यहाँ देखो पेड़ को भी कपड़े पहना रखे, जैकेट पहना रखी है अपनी तरह, हाँ, ताकि इसकी रूट्स डैमेज ना हो और बर्फ डायरेक्टली इस पे, मतलब ये वाला एरिया बहुत सेंसिटिव होता है प्लांट का, जल सकता है प्लांट पूरा. यस, और अभी मुझे हंसते हुए ना ऐसा बड़ा भारी सा हुआ है मेरे दिल. ये फोन का नुकसान देख के ना मुझे बहुत बुरा सा लग रहा है कि क्या हो गया ना ये. कोई नहीं, अब इतना परेशान नहीं होते, ये हो जाएगा जल्दी ठीक. इंडिया जाके इसको ठीक कराएंगे सबसे पहले. तो इंडिया कब जाना हमने? अभी जब भी जाएंगे तब कराएंगे. गाड़ी कैसे धुल रही है खुद ही, टचलेस वॉश है. हाँ, टचलेस वॉश, वो फोम लग रहा है. और बंदा पता है इसी में बैठा है अंदर? नहीं यार. दिख रहा है अंदर देखो. नहीं, वो तो नहीं दिख रहा मुझे. नहीं नहीं, इतनी अच्छी लाइट आ रही है ना तुम्हारे फेस पे भी, इतनी बढ़िया. अब मुझे फोन अपना ज्यादा प्यारा लग रहा है. दिख ग्लो करती हूं मैं. हां वाह, ब्रश, अच्छा पानी, प्रेशर इतना है ना. लो जी, ओ भाई, रोहिणी को लगता है ये वाला आ सकता है. शॉपिंग के चक्कर में भूख लग गई थी मुझे, तो अभी मैंने ये लिया सबसे पहले. मैं कहा पहले तो इसको खरीदते हैं, बाकी चीज़ें बाद में लेते हैं, खा लेते हैं. प्राइस चेक करने आए, ऐसे फाइंड प्राइस होता है स्टोर में, उसके नीचे
ऐसे एक मशीन होती है स्कैनर, उसमें स्कैन करके आपको पता चल जाएगा। जैसे जब सेल चल रही होती है ना तो सारी चीजें एक साथ होती है तो पता नहीं चलता कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। तो ये स्क्रीन लगी होती है, यहाँ आप स्कैन कर सकते हैं और आप स्कैनर लगे होते हैं। हाँ, स्कैनर लगे होते हैं यहाँ पे, मतलब आपको एग्जैक्ट प्राइस पता चल जाएगा किस चीज का क्या प्राइस है। तो मैंने सोचा लेने से पहले एक बार चेक कर लेती हूँ कौन सा कितने का। शॉपिंग हो गई है और वापस अब हम पैदल नहीं जा सकते क्योंकि अब तो हम थक भी गए हैं, तो अभी कैब भी आने वाली है ना। थैंक यू, गुड नाइट। पकड़िए, गार्बेज टाइम। रुको, मत कर, ये मारेगी फिर तुम्हें समझ आएगी, हट जाओ। हाथों में ऐसे रखती है अपना, यूं करके मारेगी थप्पड़ इंसान के जैसा। ओके कोको, ओके वेट फूड टाइम, वेट फूड टाइम। दिस, खड़े हो जाओ पहले, खड़े हो जाओ। देयर, सिट 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 कोको, सिट सिट। बेटा जी, अभी तो थोड़ी देर के लिए गई थी मैं, इतनी देर में आपकी इतनी याद आ गई, बाद में क्या करेगी मौसी। यस, देखती थोड़ा सा ना, और फिर ऐसे मुंह कैसे बनाती है ना, ऐसे ऐसे करती थी। बहुत प्यारी है यार, मुझे ऐसा हो रहा है कि चलो अभी थोड़ी देर ही गए थे हम एक दो घंटे के लिए, उसमें हम आपको इसकी याद आने लग गई, जब वापस चले जाएंगे तो क्या हाल होगा हमारा। तो हम इसे बुला लिया करेंगे अपने पास, याद आएगी। हाँ, जैसे हमारे बुलाने पे आ जाएंगे ना। और क्या, घर आते ही हमें लगी भूख और हमने बनाया हेल्दी स्नैक। यार ये अलग ही लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है, बट यस ये अलग इसलिए लग रहा है बिकॉज़ रजत को एक्स्ट्रा रोस्टेड पसंद है। मुझे बहुत रोस्ट करके जो ये बनाती है ना दलिया, माइंड ब्लोइंग इट इज। ऐसा ही है, टैलेंटेड बहुत ज्यादा हूँ, घमंड कभी नहीं किया, नया हेयर बैंड भी पहना है वो भी। अभी रोहिणी दीदी उसको सुलाने गए ना बेबी को, तो पीछे से कोको लगी, मैं कहा एक बच्चा होता तो दूसरा जाग जाता है। मम्मी ने आज क्या बनाया मेरी? कॉलेज का भल्ला। नैना को भल्ला बहुत पसंद है। मेरे मुंह में पानी आ गया जैसे आपने कहा कि भल्ला बनाया। ये देखो, जब नैना आएगी ना तब भी बना देना। नहीं बनेगा तो पेट दुख जाएगा आपका। और अगर आपने अपने पेट का हाजमा ठीक रखना तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। मेरे को तो बनाने का मजा ही तब आता है जब तुम लोग होते हो। क्यों ऐसे भूखे रहते हो, तब क्यों बनाया आज? हम तो है नहीं, मेरे पापा ने बोला ना उनको भी खाने। अच्छा, पर ऐसे जब खुद होते तो इतना बोल रहा है। आप क्यों इंग्लिश बोल रहे हो फॉरेन में, तो हम मैं आप थोड़ी हो, समझते ना वो हिंदी। क्या पता वापस आने आने तक हिंदी भूल जाए, सिर्फ इंग्लिश में ही बात करे। बढ़िया बढ़िया, और क्या पता फिर आपको भी तो अभी घूमना है हमारे साथ बहुत सारी जगहों में, तब के लिए भी तो सीखनी पड़ेगी गुजारे लाइक। आपको बात तो करनी पड़ेगी उससे, सही बात है, इसलिए सीख रही हूँ इंग्लिश। यार हम काफी दिनों से प्लान बना रहे थे कि हमको मूवी देखनी है और अभी इतनी परफेक्ट टाइमिंग है, एक बच्चा को अभी दिया, अभी दिया बेटा खाना आपको, बच्चा हमारा रो रहा है, दे दिया मैंने इसे, हाँ दे दिया इसको ट्रीट दिया, तो और दो दो तीन घंटे तक वो आराम से सो जाएगी और उतनी देर में हमारी मूवी भी कंप्लीट हो जाएगी, तो फटाफट से हम मूवी देखने बैठे। कौन सी मूवी? एनिमल। चलो, इतने टाइम से इंतजार था, कई लोग कहते थे कि बहुत अच्छी, कई कह रहे थे बिल्कुल अच्छी नहीं, मतलब इसके रिव्यूज ऐसे थे या तो बहुत अच्छे थे या तो बहुत बुरे थे, बीच हम देख के बताएंगे आपको। और खाना हमारी ट्रीट रेडी है, हस्बैंड कभी मेरी गलती नहीं मानेगा। तेरा हस्बैंड तेरा क्या बोलते हैं, अच्छा मम्मी मेरे अगेंस्ट भड़का रही है नैना को। मम्मी यार देखो वीडियो में ले रहे हैं आपकी बातों को, आप देखो मम्मी, अब मम्मी प्यारी बातें करेंगे। मैंने बोला अब क्या करना है, बाकी तुमने बहुत अच्छी कोशिश की थी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या होता है जो छोटा बच्चा था ना, जब जैसे शैम्पू से नहला रहे थे तो उसके जबरन आता गर्म पानी का एक अलग से, तो सर के ऊपर भी ओघरान आता है, रुक जाओ, सर के ऊपर भी ओघरान, वो भी उस पानी से धोना आता क्योंकि टब का पानी गंदा होता है। मम्मी वही किया है हमने। अभी मैं बोल रही हूँ कि मम्मी वही किया, पर मम्मी वो मम्मी सेम किया है हमने, सेम मम्मी को। अरे तो हमने आपको सारा थोड़ी दिखाया,
हमने सुशी मंगवाई है, यू नो सुशी हमें पसंद है, दिस इज माय सुशी। मम्मी देखो सुशी, मम्मी को भी सुशी बहुत पसंद है। मम्मी ये बताओ ये हरी चटनी क्या है? ये याद आता है इससे अभी तो कुछ और ही लग रहा है। क्या है क्या है इसका नाम बताओ मम्मी, नाम मसाबी मसाबी कहाँ खाई थी वो आप बताओ, मम्मी को कहाँ खिलाई थी आपने? कैसी लगी मूवी? यार बस अभी हम मूवी देख के फ्री हुए हैं, मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आई मूवी सच कहूँ तो। मतलब एक तो बहुत बड़ी है, खींची है, हाँ। फाइट और कोई स्टोरी लाइन नहीं, तो मतलब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक चाहते क्या है। सो आई डोंट नो, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है और फिलहाल तो मैं सोने जा रही हूँ। और पता है क्या, मैंने देखी भी सोने से पहले, अब जब सोने से पहले मैं ये सब कुछ देखती हूँ तो मेरे दिमाग में ये सब कुछ चलता है एंड आई एम श्योर मेरे कुछ सपना भी वैसे ही आने वाला है। अभी थोड़ी देर भगवान का नाम लेके, तुम कहीं सीक्वल ना देख लेना सपने में। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, प्रभु नाम लेके, भगवान का नाम लेके सो जाती हूँ। यस दैट्स इट। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।